शालीमार कॉलोनी विकास समिति की द्वारा कावड़ यात्रा पुष्कर से लाई गई है और प्रसादी का और पूजा का आयोजन करा गया है और शेषधारा चल रही है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया पर शिवालयों में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। शालीमार कॉलोनी विकास समिति के शिव भक्त कावड़ लेकर पहुंचे शिव मंदिर, दिन भर चला सहस्त्रधारा का दौर। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को रविवार के दिन अजमेर शहर में हर तरफ कावड़ियों की धूम मची रही, तो वहीं शिवालयों से रुद्र पाठ के मंत्रों की गूंज से पूरा माहौल धर्ममय हो गया। शालीमार कॉलोनी विकास समिति आदर्श नगर के बैनर तले कॉलोनी के लोग पुष्कर से कावड़ में पवित्र जल भरकर शालीमार कॉलोनी पहुंचे, जहां स्थानीय मार्गों का भ्रमण करने के दौरान कॉलोनी वासियों द्वारा कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात स्थानीय शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक और सहस्त्र धारा का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। कॉलोनी के महिला पुरुषों ने भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए मनोकामनाएं मांगी। शाम को शिव भगवान का भव्य श्रृंगार कर महाआरती की गई। तत्पश्चात कॉलोनी वासियों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। शालीमार कॉलोनी विकास समिति की द्वारा कावड़ यात्रा पुष्कर से लाई गई है और प्रसादी का और पूजा का आयोजन करा गया है और शेषधारा चल रही है और सभी कॉलोनी निवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन सब का हम हमारी शालीमार कॉलोनी विकास समिति की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी भक्तजनों का मान सम्मान करते हैं और उनका कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया कॉलोनी के निवासियों द्वारा और कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़ कर सबका स्वागत करा। इसमें हमारी महिला मंडल ने भी उन सबके साथ दिया और उन लोगों ने पूरी कावड़ यात्रा पूरी कॉलोनी में भ्रमण हुआ और उसके बाद उन्होंने कावड़ियों ने अपने शिव मंदिर में शिवालय पे जल अभिषेक करा।